हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस चैनल इंग्लिश एट योर फिंगर टिप्स। स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 10th के इंग्लिश रीडर के 5th चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर का नाम है टॉर्च बियरर्स। टॉर्च मींस होता है मशाल और बियरर्स मींस होता है धारण करने वाले, यानी मशाल धारण करने वाले। चैप्टर को लिखा है W.M. रायबर्न ने, यानी ऑथर चैप्टर के W.M. रायबर्न ने। चैप्टर में डिस्क्राइब किया है ऑथर ने कि हम सभी को, किसी को शारीरिक शक्ति दी गई है, किसी को मानसिक शक्ति दी गई है, किसी को चारित्रिक शक्ति दी गई है। हम सबके पास कुछ ना कुछ शक्तियां हैं और यदि हम इन शक्तियों का उपयोग करें तो हम इस संसार में ज्ञान रूपी प्रकाश फैला सकते हैं, पूरे कंट्री को हम जगमगा सकते हैं और पूरा कंट्री हमारे उस ज्ञान रूपी प्रकाश से उन्नति कर सकता है। हम सब लोग यदि अपनी एनर्जी, यदि हम अपनी शक्ति का प्रयोग देश के लिए करें तो देश निश्चित रूप से उन्नति करेगा और हम सब लोग अपने देश की एक बड़ी चैन की छोटी छोटी कड़ियाँ हैं। तो हम सबको कड़ियाँ बताया गया है और देश रूपी एक बड़ी चैन है, उसकी हम छोटी छोटी कड़ियाँ हैं। अब यहाँ राइटर ने ये कहा है कि यदि हम में से कोई कड़ी वीक होगी तो इसका मतलब वो पूरी चैन ही वीक हो जाएगी। तो इसमें इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। इस स्टोरी के पार्ट फर्स्ट में एक स्टोरी दी है और पार्ट सेकंड में भी स्टोरी दी है। दोनों का अर्थ यही है, दोनों में एक एग्जाम्पल दे करके ये सेट करने की कोशिश की है कि किस तरह से हम अपनी एनर्जी का यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं टॉर्च बियरर्स पैराग्राफ वाइज, लाइन बाय लाइन, हिंदी में और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट्स पैराग्राफ देखते हैं। पहला पैराग्राफ, वंस अपॉन ए टाइम मैनी सेंचुरीज एगो देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, मैनी सेंचुरीज एगो, सेंचुरीज मीन्स होता है शताब्दियाँ, कई शताब्दियों पहले, देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, मर्चेंट माने होता है व्यापारी, एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। ऑल हिज लाइफ ही हैड टॉयल्ड हार्ड, टॉयल्ड हार्ड मीन्स होता है कठिन परिश्रम करना, मेहनत करना, वर्क हार्ड करना। ऑल हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन, ही टॉयल्ड हार्ड बाइंग एंड सेलिंग विद द रिजल्ट दैट ही हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी। अपने पूरे जीवन उसने अथक परिश्रम किया चीज़ों को खरीदने में और बेचने में, विद द रिजल्ट, परिणाम क्या हुआ कि उसने काफ़ी धन कमा लिया। तो चीज़ों को खरीदता था, बेचता था, कठिन परिश्रम किया उसने तो उसने अच्छा खासा धन कमा लिया था। एज द ईयर्स वेंट बाई, और जैसे ही वर्ष बीतते गए, ही लेड बाई मोर एंड मोर रिचीज, वो और अधिक धनी होता गया। मेहनत करता था तो जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए तो वो और धनी होता गया। बट द डे केम व्हेन ही फेल्ट दैट ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड। बट द डे केम, लेकिन वह दिन आ गया, व्हेन ही फेल्ट, जब उसने महसूस किया, दैट ही हैड नॉट लॉन्ग रिमेन इन दिस वर्ल्ड, कि वह अब इस संसार में अधिक समय तक नहीं जीवित बचेगा। स्टूडेंट सभी को युवावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, फिर एक दिन ऐसा आता है कि उसको लगता है कि अब उसका समय काफ़ी नहीं बचा हुआ। तो इस मर्चेंट को भी अब महसूस होता है कि इसके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, इस दुनिया में ज़्यादा दिन तक ये जीवित नहीं रहेगा। ही बिगेन टू वंडर व्हाट ही शुड डू विद हिज मनी। अब ही बिगेन टू वंडर, उसने चिंता करना शुरू कर दिया, व्हाट ही शुड डू हिज मनी, कि उसे अपने धन का क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने काफ़ी धन संपत्ति कमा ली थी, काफ़ी मेहनत की थी उसने, तो अब वो उस चीज़ को लेकर के परेशान है कि वो अपने इस धन का क्या करे। नाउ ही हैड टू सन्स, उसके दो बेटे थे। He made up his mind that he would not divide his money between them. उसके दो बेटे थे, now he made up his mind. उसने यह निश्चय किया, made up mind means होता है निश्चय करना, decide करना। उसने यह निश्चय किया that he would not divide his money between them, कि वह अपना धन दोनों बेटों के बीच में नहीं बांटेगा। जैसे कि परंपरा है, जैसे कि हमारे यहाँ होता है कि जिसके जितने बेटे होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को उनके बीच में डिवाइड कर देता है, लेकिन इस ओल्ड मर्चेंट ने यह डिसाइड किया कि वह अपने धन को अपने दोनों बेटों के बीच में नहीं बांटेगा, बल्कि क्या करेगा, बट दैट ही वुड गिव इट ऑल टू द वन, कि वह अपना सारा धन
किसी एक को दे देगा, हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द क्लेवरर ऑफ द टू, जो अपने आप को दोनों में से अधिक चतुर साबित करेगा वह अपना सारा धन उसको दे देगा। इसका मतलब उसने डिसाइड किया कि वह दोनों बच्चों को, दोनों लड़कों में से जो भी अपने आप को यह साबित करेगा कि वह अधिक चतुर है तो वह अपना सारा धन उसको दे देगा, ना कि अपने सारे धन को दोनों बेटों में बांट देगा। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, अब प्रॉब्लम क्या थी, द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, सॉल्व करने के लिए समस्या आई थी दैट ऑफ फाइंडिंग आउट विच ऑफ द टू सन्स वाज मोर क्लेवर। अब समस्या यह थी कि कैसे पता लगाया जाए कि दोनों बेटों में से अधिक क्लेवर कौन है। ही डिसाइडेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसने यह निश्चय किया कि इस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेगा बाई गिविंग दैम ए टेस्ट, वह उनको एक टेस्ट देगा, उनकी परीक्षा लेगा। उसने यह निश्चय किया कि एक परीक्षा लेगा वह और उन दोनों की परीक्षा लेकर के यह तय करेगा कि उन दोनों में से अधिक चतुर कौन है। स्टूडेंट्स पैराग्राफ सेकंड में देखते हैं, कॉलिंग द यंग मैन ही सेड टू देम, अब उसने दोनों बेटों को बुलाया, सेड टू देम और उन्हें कहा, क्या कहा, हेयर आर 2 रुपीज, ये 2 रुपये हैं, आई वॉन्ट यू टू टेक 1 रुपीज, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक एक रुपया ले लीजिए, एंड देन गो आउट सेपरेटली, और फिर अलग अलग, सेपरेटली मीन्स अलग अलग, दोनों साथ नहीं जाएंगे, सेपरेट जाएंगे, सेपरेट मीन्स अलग अलग जाएंगे, एंड बाई समथिंग, और कोई ऐसी चीज़ खरीद के लाई विच विल फिल द हाउस, जो इस घर को भर दे। तो उसने अपने दोनों बेटों को कहा कि ये 2 रुपये हैं, आप दोनों एक एक रुपया ले लीजिए और अलग अलग यहाँ से जाइए और जाकर के कोई भी चीज़ ऐसी खरीद के लाइए एक एक रुपये से, आपके पास जो 1 रुपया होगा जो पूरे घर को भर दे। यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन, अब ये भी शर्त लगा दी कि यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपीज, आपको जो चीज़ खरीद के लानी है घर को भरने के लिए, ये ध्यान रहे कि वो चीज़ 1 रुपये से ज़्यादा उसको खरीदने में आप खर्च नहीं करोगे। यदि 1 रुपये में ही कोई चीज़ खरीदनी है और ऐसी चीज़ खरीदनी है जो पूरे घर को भर दे। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, द टू सन्स लुक्ड एट हिम एज इफ ही हैड टेकन लीव्स ऑफ हिज सेंस, द टू सन्स दोनों बेटों ने लुक्ड हिम उसकी तरफ देखा, एज इफ मानो कि ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंस, मानो कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो। दोनों बेटों ने अपने पिताजी की तरफ ऐसे देखा मानो कि लीव ऑफ हिज सेंस मीन्स वो पागल हो गया हो। अब क्या सोचते हैं, हाउ कैन वी पॉसिबली बाई इनफ ऑफ एनीथिंग टू फिल हाउस विद ओनली 1 रुपीज, वो कहते हैं कि हाउ कैन पॉसिबली बाई इनफ एनीथिंग, कि हम कोई चीज़ ऐसी कैसी खरीद सकते हैं 1 रुपये में जो पूरे घर को भर देगी। दे आस्क देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप से पूछा, उन्होंने अपने आप से पूछा कि लगता है कि हमारे पिताजी का दिमाग खराब हो गया है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 रुपये में हम कोई संभवतः ऐसी चीज़ खरीद लेंगे जो पूरे घर को भर दे। एंड दे वर रिलेक्टेंट टू पिक अप, और दे वर रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट मीन्स अनविलिंग, अनविलिंग अनिच्छुक, और वे पिकअप मीन्स उठाने के लिए, रुपया उठाने के लिए अनुच्छुक थे दोनों ही, मतलब अपनी इच्छा ही नहीं थी उनको कि वो 1 रुपया लेकर के जाएं और कोई ऐसी चीज़ खरीद के लाएं जिससे वो पूरा घर भर जाएगा, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये संभव नहीं है। बट द ओल्ड मैन इंसिस्टेड ऑन देयर डूइंग एज ही टोल्ड देम, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने, उस ओल्ड मर्चेंट ने इंसिस्ट किया, इंसिस्ट मीन्स उन पर प्रेशर बनाया, दबाव डाला, ऑन देयर डूइंग एज ही टोल्ड देम, ऐसा करने का जैसा उसने उन्हें कहा था। लेकिन उस बुजुर्ग आदमी ने उन दोनों को प्रेशराइज किया कि उठाइए 1 रुपया और करिए जैसा मैंने तुम्हें कहा है। तो इस तरह से ऑफ यू गो, कहता है तुम दोनों जाओ, ही सेड, उसने कहा, एंड डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर बिजनेस, और क्या कहता है कि इस कार्य में बहुत अधिक समय आपको नहीं लगाना है, बिजनेस मीन्स होता है कार्य, एंड डोंट टेक टू लॉन्ग, और बहुत अधिक समय नहीं लगाना है ओवर द बिजनेस इस कार्य में, आई एक्सपेक्ट यू बैक इन कपल ऑफ डेज, क्या कहता है, आई एक्सपेक्ट, मैं आशा करता हूँ तुमसे बैक इन ए कपल ऑफ डेज, कपल ऑफ डेज मीन्स 2 दिन, मैं आशा करता हूँ कि 2 दिन में तुम वापस आ जाओगे। क्या होता है कि स्टूडेंट, सो ईच यंग मैन टुक अप 1 रुपीज एंड वेंट आउट, इसलिए दोनों जो लड़के थे, दोनों यंग मैन थे, दोनों नवयुवक थे, उन्होंने 1-1 रुपया उठाया और वो चल दिए। द फर्स्ट वन वांडर्ड थ्रू द बाजार, जो पहले वाला था वो बाजार में वांडर्ड मीन्स भटकता रहा, घूमता रहा, बट नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन उसे कुछ ऐसा नहीं मिला विच वुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पज,
जो किसी भी तरह से उसके सर्व हिज पर्पज मीन्स उद्देश्य को पूरा, जो फर्स्ट वन था, जो पहला लड़का था, वांडर थ्रू द बाजार, पूरे बाजार में घूमता रहा, बट नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन उसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली विच वुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पज, जो किसी भी तरह से उसके उद्देश्य को पूरा करती हो। ऑल डे लॉन्ग ही वंडर्ड अबाउट, पूरा दिन वो घूमता रहा, लुकिंग इन ऑल शॉप्स, सारी दुकानों में देखता रहा, ऑल शॉप्स मीन्स सभी दुकानों में देखता रहा, बट नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला दुकानों में देखने के बाद भी जो उसके उद्देश्य की पूर्ति कर सके। ही बिकेम मोर एंड मोर सर्टेन, ही बिकेम मोर एंड मोर सर्टेन, अब उसे पक्का विश्वास हो गया था दैट समथिंग हैड गोन रॉन्ग विद हिज फादर, कि उसके पिताजी के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब क्योंकि जब वो बाजार में घूम रहा है, उसको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही है जो उसके उद्देश्य को पूरा कर सके, वो सभी दुकानों में झांक झांक करके देख रहा है, अब उसको पक्का विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से उसके पिताजी के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, कुछ गड़बड़ उसके पिताजी के साथ हुई है, यानी उसके पिताजी का दिमाग शायद चल गया है। ही वाज अबाउट टू गिव अप हिज सर्च इन डिस्पेयर, ही वाज वह था अबाउट टू माने अबाउट टू गिव अप माने छोड़ने वाला, हिज सर्च माने अपनी तलाश, इन डिस्पेयर मीन्स निराशा में, वो निराशा में अपनी तलाश को छोड़ने वाला था। वैन ही साय बुलक कार्ट, तब उसने एक बैलगाड़ी देखी विद लोड ऑफ हे, हे मीन्स होता है भूसा, वह अपना इरादा छोड़ने वाला था, अपनी तलाश छोड़ने वाला था, तभी उसने एक बैलगाड़ी को देखा जो भूसे से भरी हुई थी। दैट लुक्स होपफुल, ही थॉट, क्या लगा यह इसमें आशा लग दिखाई देती है, इसमें एक उम्मीद दिखाई देती है, ही थॉट, उसने सोचा, आई वंडर हाउ मच हे आई कैन गेट फॉर ए रुपीज, वो कहता चलो पता लगाता हूँ कि एक रुपये में कितना भूसा मैं खरीद सकता हूँ। उसे एक भूसे की गाड़ी दिखाई देती है, बैलगाड़ी, तभी जब वह निराश होकर के अपनी तलाश छोड़ने वाला था, और उसे उसमें एक उम्मीद की किरण दिखती है, और वो सोचता है कि चलो चल करके पता लगाता हूँ कि मैं एक रुपये में कितना भूसा खरीद सकता हूँ। तीसरे पैराग्राफ में स्टूडेंट्स, ही वेंट अप टू द ड्राइवर ऑफ द कार्ट, वह उस गाड़ी चलाने वाले के पास गया, एंड इंक्वायर्ड, और पूछा अबाउट द प्राइस ऑफ द हे, भूसे के मूल्य के बारे में, भूसे की कीमत के बारे में उससे पूछा। देयर वाज ए गुड डील ऑफ हैंगलिंग ओवर द प्राइस, कीमत को लेकर के उनके बीच में गुड डील मीन्स सौदाबाजी हुई, बट इन द एंड, लेकिन आखिर में क्या हुआ, ही वाज एबल टू बाई द लोड ऑफ हे फॉर ए रूपी, और अंत में ये हुआ कि वह लड़का उस ओल्ड मर्चेंट का एक रुपये में उस भूसे की गाड़ी को खरीदने में सफल हो गया। अब क्या हुआ, दिस वॉज इन द डेज व्हेन ए रुपीज वुड बाई ए ग्रेट डील मोर देन इट विल बाई नाउ, ये उन दिनों की बात है स्टूडेंट्स, दिस वॉज द डेज, उन दिनों की बात है, व्हेन ए रुपी वुड बाई ए ग्रेट डील, जब एक रुपये में बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा सकती थी, मोर देन इट विल बाई नाउ, जैसा कि आज, आज एक रुपये की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये जो कहानी है ये उन दिनों की है जब एक रुपये से काफ़ी कुछ सामान खरीदा जा सकता था, बहुत सारा सामान खरीदा जा सकता था, इसलिए उस टाइम एक रुपये में वो बैलगाड़ी जो है भूसे की उसे खरीद लेता है। सो द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ट विद द हे टू हिज फादर्स हाउस, और इस प्रकार वो यंग मैन लेड ऑफ मीन्स आगे आगे चल दिया, नेतृत्व करना, द कार्ट माने बैलगाड़ी का, विद द हे जिसमें भूसा भरा था, टू हिज फादर्स हाउस अपने पिता के घर की तरफ, अपने पिता के घर की तरफ बैलगाड़ी के आगे आगे वो लड़का चल देता है। होपफुली और इस आशा के साथ, ही पाइल मीन्स होता है ढेर लगा देना, तो एक आशा से ही पाइल्ड, वह ढेर लगा देता है इट इन टू द हाउस, घर में एक आशा के साथ वो घर में इसका ढेर लगा लेता है। बट वैन इट वॉज ऑल, लेकिन जब ये सारा भूसा उतर चुका, ही फाउंड, उसे क्या पाया उसने, दैट देयर वॉज नॉट इनफ टू इवर टू कवर इवन द फ्लोर, कि वह भूस पर्याप्त नहीं था केवल फर्श को भी ढकने के लिए। अब एक रुपये में उसको चीज़ तो खरीद के लानी थी जो सारे घर को भर दे, लेकिन उसने जो बुलक कार्ट खरीदी है, जो बैलगाड़ी खरीदी है भूसे की, तो उसको तो लग रहा था कि ये काफ़ी होगा, लेकिन उसने आकर के जब इसको सारे को भूसे को उतारा, तो उसने पाया कि यह तो केवल फर्श को कवर करने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। लेट अलोन फिल द होल हाउस, पूरे घर को भरने की तो बहुत बड़ी बात है, वह केवल फर्श को भी कवर नहीं कर पाया था। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, व्हेन द सेकंड सन वेंट आउट, जब दूसरा बेटा बाहर गया विद हिज रुपीज, अपना रुपया लेकर के, क्योंकि दोनों को एक एक रुपया दिया था, ही डिड नॉट गो स्ट्रेट वे टू द बाजार, वो सीधा बाजार नहीं गया, स्ट्रेट वे मीन्स सीधा, वह सीधा बाजार नहीं गया, क्या किया उसने, इंस्टीड ऑफ डूइंग सो, ऐसा करने के बजाय
इंस्टेड ऑफ मीन्स के बजाय, डूइंग दैट ऐसा करने के बजाय, ही सेट डाउन हो बैठ गया एंड बिगिन टू थिंक, और उसने क्या करना शुरू कर दिया, सोचना। देखिए बड़ा बेटा सीधा बाजार गया था, सारी दुकानों में झांकता फिरा कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए। छोटा बेटा सीधा बाजार नहीं गया बल्कि क्या किया उसने, वो बैठ गया और बैठ करके सोचने लगा। फॉर ए लॉन्ग टाइम ही सेट थिंकिंग, लंबे समय तक, फॉर ए लॉन्ग टाइम मीन्स लंबे समय तक, ही सेट थिंकिंग, वह सोचता हुआ बैठा रहा, अबाउट व्हाट ही कुड पॉसिबली बाई, इस बारे में सोचता रहा, विचार करता रहा कि संभवतः वो क्या खरीद सकता है। एट लेंथ, एट इवनिंग टाइम, और लंबे समय बाद, शाम के समय, एन आइडिया स्ट्रक हिम, उसे एक विचार सूझा, उसके मन में एक विचार आया। टेकिंग हिज रुपीज, ही वॉक्ड क्विकली डाउन टू द बाजार, अपना रुपया लेकर के, टेकिंग हिज रुपीज, अपना रुपया लेकर के, ही वॉक्ड क्विकली डाउन टू द बाजार, वो तेज़ी से बाजार में गया। टिल ही केम टू ए शॉप, जब तक वह एक दुकान पर आया, वेयर कैंडल्स वर सोल्ड, जहाँ पर मोमबत्तियाँ बेची जाती थी। तो शाम को उसके मन में एक विचार आता है, लंबे समय तक वो बैठा सोचता रहा, शाम को उसके मन में एक विचार आता है, वो अपना रुपया लेकर के सीधा बाजार में उस दुकान तक आता है जिस दुकान पर मोमबत्तियाँ बेची जाती हैं। ही स्पेंट हिज रुपीस ऑन कैंडल, अब उसने अपना रुपया मोमबत्ती खरीदने में खर्च कर दिया। ऑफ विच ही गोट क्वाइट ए नंबर, और देखिए जब वो एक रुपये में भूसे की गाड़ी आ सकती थी, तो एक रुपये में क्वाइट ए नंबर यानी मोमबत्ती काफ़ी संख्या में आ गई। देन टेकिंग हिज कैंडल विद हिम, फिर अपने साथ कैंडल लेकर के, अपने साथ मोमबत्तियाँ लेकर के, ही मेड हिज वे बैक टू हिज फादर्स हाउस, वो अपने पिता के घर वापस आता है। व्हेन ही गोट देयर, जब वह वहाँ पहुँचता है, हिज ब्रदर वाज स्टैंडिंग डिसकॉन्सोलेटली लुकिंग एट द हे स्प्रेड आउट ऑन द फ्लोर। व्हेन ही गोट देयर, जब वह वहाँ आता है, हिज ब्रदर वाज, उसका भाई, स्टैंडिंग डिसकॉन्सोलेटली, निराशा में खड़ा था, लुकिंग टू द हे, भूसे को देखता हुआ, स्प्रेड आउट ऑन द फ्लोर, जो फर्श पर फैला हुआ था। तो जब वह घर आया, उसका भाई जो था वो निराशा में भूसे के जो फर्श पर फैला हुआ था उसको देखता हुआ खड़ा हुआ था। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, अब क्या हो रहा था, अब चूंकि शाम तक तो वो सोचता ही रहा, तो अब इट वॉज गेटिंग डार्क, अब अंधेरा हो रहा था। क्विकली द सेकेंड सन स्टूड टू और थ्री कैंडल्स इन ईच रूम, अब क्विकली माने शीघ्रता से, द सेकेंड सन माने दूसरे बेटे ने, स्टूड माने खड़ी कर दी, टू और थ्री कैंडल्स इन ईच रूम, प्रत्येक कमरे में दो दो तीन तीन मोमबत्तियाँ उसने लगा दी। देन ही लिट देम, फिर उसने उनको क्या कर दिया, लिट मीन्स जलाना, फिर उसने उनको जला दिया। क्या हुआ, एट वंस द हाउस वॉज फिल्ड विद लाइट, और एकदम जैसे मोमबत्तियों को जलाया, पूरा घर रोशनी से भर गया। हिज फादर वॉज वेरी प्लीज विद हिम, उसका जो पिता था उसके उससे बहुत प्रसन्न हुआ, एंड सैड, और कहा, माई सन यू हैव शोन ट्रू विजडम, उसने कहा कि मेरे बेटे तुमने सच्ची बुद्धिमानी दिखाई है, और क्या कहता है, आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू, मैं अपना सारा धन तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, दो बेटे थे, उसने डिसाइड किया था कि दो में से मैं सारा धन उसको दूंगा जो ज़्यादा क्लेवर अपने आप को साबित करेगा, और एक बेटे ने भूस खरीदा एक रुपये से, दूसरे बेटे ने मोमबत्तियाँ खरीदी, मोमबत्ती जैसे ही जलाई तो रोशनी से सारा घर भर गया। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना सारा धन सौंपने के लिए तैयार हूँ। पैराग्राफ 4, अब कंपेयर करता है स्टोरी से हमारी, राइटर क्या कहता है, नव वी ऑल लिव इन ए बिग हाउस, अब हम सब एक बड़े घर में रहते हैं, हम सब एक बड़े घर में रहते हैं, विच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री, जिसको हम अपना नेटिव कंट्री कहते हैं, अपनी मातृभूमि कहते हैं, अपना पैतृक देश कहते हैं, अपनी मदरलैंड जिसको हम कहते हैं। वी हैव ईच ऑफ अस गिविन, अब हम सबको दिया गया है, सम 1 रुपीज, किसी को 1 रुपया दिया गया है, सम 2 रुपीज, किसी को 2 रुपये दिए गए, सम 3 एंड सम 4, किसी को 3 दिए गए हैं और किसी को 4 दिए गए। हम सब एक बड़े घर में रहते हैं जिसको हम अपना कंट्री कहते हैं, अपना देश कहते हैं, अपनी मातृभूमि कहते हैं। हम सबको भी कुछ ना कुछ दिया गया है, किसी को 1 रुपया दिया गया है, किसी को 2 रुपये दिए गए हैं, किसी को 3 रुपये दिए गए हैं और किसी को 4 रुपये दिए गए हैं। अब यह राइटर कहता है कि दीज रुपीस आर नोट रुपीस, ये वो रुपये नहीं है विद विच वी, जिनके द्वारा हम, ये वो रुपये नहीं है जिनके द्वारा हम कैन बाई थिंग्स, चीज़ें खरीद सके। हमें किसी ने वो रुपये नहीं दिए जिनके द्वारा हम चीज़ें खरीद सके, बल्कि क्या है, द
बट दे आर डिफरेंट पावर्स, वो अलग अलग पावर्स हैं, वो अलग अलग शक्तियाँ वी हैव बीन गिवन, जो हमें दी गई हैं। हमें रुपए नहीं दिए गए, कैश नहीं दिया गया कि हम जा करके कुछ खरीद रहे हैं, हमें अलग अलग पावर्स दी गई, हमें अलग अलग शक्तियाँ दी गई। ईच ऑफ अस हैज़ पावर्स ऑफ बॉडी, हम में से प्रत्येक के पास शारीरिक शक्ति है, पावर्स ऑफ माइंड मन की शक्ति है, पावर्स ऑफ कैरेक्टर चरित्र की शक्ति है, ईच ऑफ अस हैज स्ट्रेंथ, हम सबके पास ताकत है, टाइम समय है, इंटेलिजेंस बुद्धिमता है, विच कैन बी यूज, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। हमें जो रुपए दिए गए हैं वो हमें इन पावर्स के रूप में दिए गए हैं, शारीरिक शक्ति हो सकती है, मानसिक शक्ति हो सकती है, चारित्रिक शक्ति हो सकती है, हमें जो ताकत दी गई है वो हो सकती है, हमें समय दिया गया है वो हो सकती है, और हमारी बुद्धिमानी हो सकती है, इन सब का हम यूज़ कर सकते हैं। एज वी लीव स्कूल, अब देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या कहता है राइटर, एज वी लीव स्कूल कि जब हम स्कूल छोड़ते हैं एंड गो आउट इन टू द वर्ल्ड, और इस संसार में बाहर जाते हैं, स्कूल में हमने जैसे अपनी पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी करने के बाद हम इस संसार में बाहर जाते हैं, वी आर टेस्टेड एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज टैलेंट्स विच वी पोसेसेस, वी आर टेस्टेड, हमारी परीक्षा ली जाती है, एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज, कि हम कैसे यूज करेंगे दीज टैलेंट्स, टैलेंट्स मीन्स होता है प्रतिभा, कि उस प्रतिभा का हम कैसे यूज करेंगे, विच वी पोसेस, जो हमारे पास है। तो जब हम इस संसार में बाहर जाते हैं तो हमारे भी टेस्ट लिया जाता है, हमारी भी परीक्षा ली जाती है कि हमारे पास जो प्रतिभा है उस प्रतिभा का हम किस तरह से यूज करेंगे, आर वी गोइंग टू यूज देम टू बाई यूजलेस हे, कि क्या हम इनका बेकार का भूसा खरीदने में प्रयोग करेंगे, और आर वी गोइंग टू यूज देम टू स्प्रेड लाइट, या हम अपनी इन सब टैलेंट का यूज लाइट को फैलाने में, रोशनी को फैलाने में यूज करेंगे, थ्रू आउट अवर हाउस, अपने घर में, एंड दैट इज़ अवर कंट्री, जो हमारा देश है। तो हमारे पास जो टैलेंट है हमारा भी जांच की जाती है, हमारी परीक्षा ली जाती है कि हम उस टैलेंट का उपयोग कीमती और उपयोगी प्रकाश या रोशनी या ज्ञान अपने देश में फैलाने के लिए उसका उपयोग करेंगे, या हम उसका उपयोग बेकार की चीज़ जैसे भूसा हमने खरीद लिया था उस बेटे ने, तो हम उस चीज़ में करेंगे। तो कहता है इफ़ यू आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन, अब कहता है कि यदि हम अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं, देन वी सेल आवर पावर्स एंड एबिलिटीज टू ट्राई टू स्प्रेड लाइट इन टू ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री, वी शैल यूज़, हमें करना होगा आवर पावर्स माने अपनी शक्तियों का, एंड एबिलिटीज माने अपनी योग्यताओं का, टू ट्राई स्प्रेड लाइट, रोशनी फैलाने में, प्रकाश फैलाने में, इन टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के सभी भागों में। यदि हम अच्छे नागरिक हैं तो हमें अपनी शक्तियों का और अपनी योग्यताओं का प्रयोग अपने देश के सभी हिस्सों में रोशनी या प्रकाश फैलाने के लिए करना पड़ेगा, दैट इज़ वी शैल स्पेंड आवर सेल्स इन द सर्विस ऑफ कंट्री। इसका मतलब क्या है कि हमें अपने आप को अपनी देश सेवा में, स्पेंड मीन्स खर्च करना होगा, लेकिन यहाँ स्पेंड मीन्स लगाना होगा, कि हमें अपने आप को अपनी देश सेवा में लगाना होगा, तभी हम अपने देश के कोने कोने में प्रकाश फैला सकते हैं, रोशनी फैला सकते हैं। तो हमें जो टैलेंट मिला है उस टैलेंट का हम यूज़ कैसे करेंगे, इसलिए हमें टेस्ट लिया जाता है हमसे भी। नेक्स्ट, नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट्स हैज गुड सिटीजन, अब यहाँ कहता है कि कोई भी देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता, उन्नति नहीं कर सकता, अनलेस इट हैज गुड सिटीजन, जबकि उसके पास, जब तक उसके पास अच्छे नागरिक ना हो, किसी भी देश के पास जब तक अच्छे नागरिक नहीं होंगे तब तक वो तरक्की नहीं कर सकता, प्रोग्रेस मीन्स तरक्की करना, उन्नति करना। सो दैट इफ़ यू लव आवर कंट्री, इस प्रकार यदि हम अपने देश को प्यार करते हैं, एंड वांट टू सर्व इट, और इसकी सेवा करना चाहते हैं, वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन, तो पहले हमें अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करना। यदि हम अपने देश से प्यार करते हैं, अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या प्रयास करना होगा, अच्छे सिटीजन बनने का प्रयत्न करना होगा। वाइल वी आर एट स्कूल, कि जब हम स्कूल में होते हैं, दिस इज़ वाट वी शुड बी डूइंग, तो हम क्या कर सकते हैं, वी शुड बी ट्रेन आवर सेल्फ, तो हम अपने आप को ट्रेनिंग दे सकते हैं, प्रशिक्षित कर सकते हैं इन सिटीजनशिप, नागरिकता के रूप में, एंड कल्टिवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सिटीजन, और अपने अंदर अच्छे नागरिकों की कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स होती है विशेषताएँ, योग्यताएँ। तो जब हम स्कूल में होते हैं अपने आप को अच्छे नागरिक के रूप में प्रशिक्षित कर सकते हैं, और अपने अंदर अच्छे करेक्टरिस्टिक्स, गुड सिटीजन के, अच्छे नागरिक के विशेषताएँ अपने अंदर कल्टिवेटिंग मीन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इफ़ यू डू दिस, यदि हम ऐसा करेंगे,
यदि हम ऐसा करेंगे देन उसके बाद क्या होगा, व्हेन वी लीव स्कूल एंड होम, जब हम घर और स्कूल छोड़ करके बाहर जाएंगे, एंड गो आउट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश के भिन्न भिन्न भागों में जाएंगे, वी शैल बी एबल टू फिल इट विद द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप, तो हम अच्छी नागरिकता से अपने देश को प्रकाशित कर देंगे, रोशनी से भर देंगे। और यदि हम अच्छे सिटीजन नहीं हैं, यदि हम अच्छे नागरिक नहीं हैं, तो फिर जहाँ भी हम जाएंगे, जिस हिस्से में भी अपने देश के जाएंगे, हम वहाँ भूसा ही फैलाएंगे। तो अच्छे नागरिक बनने का मतलब, अच्छे नागरिक बनिए, अच्छे नागरिक बन करके ही जहाँ भी जिस कोने में भी हम देश के रहेंगे, तो उसी कोने में हम अच्छी अच्छी चीज़ें फैलाएंगे और रोशनी से भर देंगे। तो अच्छा नागरिक बनना बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए स्टूडेंट, जो टैलेंट आपके पास है, यदि आप उसको इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, इन द सर्विस ऑफ आवर मदरलैंड, अपने मातृभूमि की सेवा में नहीं लगाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो टैलेंट आपको मिला है, वो टैलेंट आपके साथ ऐसा ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपको करना क्या चाहिए, अब एग्जाम्पल ले लीजिए। सपोज मैं एक अच्छा टीचर हूँ, तो मैं एक अच्छा टीचर, अच्छा टीचर होने से पहले मैं एक अच्छा नागरिक हूँ, मैं अच्छा नागरिक हूँ, उसके बाद मेरे पास एक टैलेंट है कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, तो मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंग्रेजी पढ़ाऊँ, उतनी मुझे अच्छे से अच्छे आपको अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए, ताकि जिस तरह से मैं रोशनी फैला रहा हूँ, जिस तरह से मैं प्रकाशित कर रहा हूँ, आप भी आगे चल करके प्रकाशित करें, और जहाँ भी जिस हिस्से में भी आप जाएँ, वहाँ रोशनी फैला दें। तो इस तरह से हमें अपने आप को अच्छे नागरिक के रूप में प्रशिक्षित करना चाहिए स्कूल में रहते हुए, और अपने अंदर वे कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कर लेनी चाहिए जो अच्छे नागरिक होने की आवश्यकताएं हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था टॉर्च बियरर्स का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, वीडियो देख करके। वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो पूरी वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन टाइम से प्राप्त होती रहे। अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक वीडियोज़ को शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, अधिक से अधिक लाभ मिल सके, और वो भी अपने अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सके। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।